खरगोन कोतवाली क्षेत्र में सुने मकानों में चोरी के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। बीते रात चोरों ने ज्योति नगर स्थित शिक्षक के मकान को निशाना बनाया। चोर यहां से करीब 2 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर ले गए। घटना का पता उस वक्त चला जब सुबह दूध वाले ने दरवाजे खुले देखे। पड़ोसियों की सूचना पर शिक्षक परिवार घर लौटा। श्रीमती अर्चना गुप्ता ने बताया वे 26 अक्टूबर को इंदौर निवासी अपनी बेटी के घर गए थे। सोमवार सुबह घर का मुख्य ताला टूटा होने की सूचना पर घर लौटे, यहां देखने पर 3 मंजिला मकान के सभी कमरों में लगे ताले नकुचे सहित टूटे मिले। चोरों ने हर कमरे की तलाशी ली। अलमारी में रखे सोने के पायजेब, झुमकी आदि करीब 2 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर ले गए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। गए थे 26 तारीख को, उसके बाद में कल आने वाले थे, हमने सोचा सुबह चलेंगे आज। तो सुबह से दूध वाले का फोन आया और उसने बताया कि तुम्हारे दरवाजा खुला हुआ है। मैंने कहा दरवाजा कैसा खुला हुआ है? बोले दरवाजा नहीं, ताला है ही नहीं, उसने दरवाजा खुला हुआ है। फिर उसको मैंने कहा चलो तुम पास में राठौड़ जी के यहाँ बुलाओ। तो उन्होंने बुलाया उनको और उन्होंने अंदर देखा, अंदर भी पूरे ताले टूटे हुए थे। लगभग कितने की चोरी हुई होगी, क्या क्या ले गए आपके यहाँ? 1.5 लाख के से 2 लाख के करीब हुई है चोरी। क्या क्या चीजें गई? कान के थे, चीजें थी, पायल वगैरह भी 5-6 जोड़ के करीब थे, बिछुड़ी भी थी, पायल भी अच्छी बड़ी वाली पायल, सभी चीजें थी। और यार चीजें बहुत सारी अलमारी में, गोल्ड मेडल था, सिल्वर मेडल वगैरह थे, लोटा चांदी का था, चांदी के सिक्के थे, बहुत सारी चीजें उसमें अलमारी में रखी हुई थी। लगभग सभी चीजें वो मतलब ले गए हैं, देखा पूरे पर्स वगैरह पूरे खाली है, कुछ बचा नहीं है उसमें, सब पूरा खाली। कितने जगह के ताले टूटे अपने यहाँ पर? ताले कितने टूटे हैं? ताले 3 जगह के टूटे हैं। एक जगह तो उन्होंने ताले जो गेट का था वो ताला तोड़ा, उसके बाद में हाल का तोड़ा, 4 जगह के टूटे, फिर ऊपर पहली मंजिल पे तोड़ा, फिर ऊपर वाली मंजिल पे तोड़ा, और अलमारियां पूरी खाली कर दी। उसमें भी जो सारे कपड़े वगैरह देखना पड़ेगा, क्या क्या ले गए क्या नहीं ले गए। सूचना कैसे मिली आपको? सूचना दूध वाले से मिली है। दूध वाले ने को हमने बोला था कि हम सोमवार को आ जाना दूध देने के लिए, रविवार शाम को आ जाएंगे। तो दूध देने के आया और जब उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला हुआ था, आवाज लगे तो कोई नहीं बोला। फिर उसने फोन लगाया मेरे को 7:30 बजे के करीब फोन लगाया, बस स्टैंड पे आ गए थे। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे दरवाजे तो खुले हुए हैं। तो फिर उन्होंने देखा, आसपास के लोगों को सबको बुलाया और देखा, तब पता पड़ा कि तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई है। वैसे ही हम खरगोन के लिए रवाना। आप लोग 26 तारीख को। क्या नाम है आपका? अर्चना गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।